नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। कुरारा नगर के बेरी गांव में दशहरा के दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन देवी मां की मूर्तियों को बेतवा नदी में विसर्जित किया गया। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि गाँव में 7 जगह पर देवी माँ की मूर्ति रखी जाती है, जिसमें 10 दिनों तक देवी माँ की पूजा अर्चना की जाती है और विजयादशमी पर्व के दिन जागरण का कार्यक्रम होता है। इसके बाद गांव में देवी माँ को भ्रमण कराते हुए बेतवा नदी में विसर्जित किया जाता है। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ ये अमावस के दूसरे दिन से बैठकी शुरू हो जाती है और एकादशी की दशहरे के दूसरे दिन जी हमारे यहाँ विसर्जन होता है। और प्रशासन हमारे यहाँ पूरी खुलता रहता है, यहाँ पे कोई भी इस तरह की अपौरचिक बातें नहीं हुआ होती हैं। अच्छा, ये बेरी गांव में ये मूर्ति विसर्जन होता है, किस किस मोहल्ले से ये मूर्ति रखी आ रही है? जो बाजार से जाके नई बस्ती से घोड़ा मोहल्ला से होते हुए सीधे मेन बाजार पर पुनः वापस जाके नदी में जी जी। इसमें प्रशासन का क्या हक रहता है? सारी व्यवस्था बढ़िया चल रही है जी, नंगा पदार्थ कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा, शांति के साथ बढ़िया धूमधाम से हर जा रहे हैं। बेरी गांव में कितने जगह लगी रखी करीब 7-8 जगह फंक्शन होते हैं हमारे गांव में।